नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दो पशु आपस में लड़ने से गंभीर रूप से घायल, आसपास के लोगों ने पहुंचकर जैसे तैसे पशुओं को अलग किया। वहीं देखा एक पशु का पैर टूट गया, पशु चिकित्सालय पर फोन कर डॉक्टर को बुलाया, पशु का इलाज कराया गया। दो दिन बीत जाने के बाद भी पशु की और गंभीर तबीयत खराब होने पर गाँव के लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को फोन किया। जिलाधिकारी ने मामला संज्ञान में लेते हुए फेफना थाने में सूचना दी। सुबह से शाम होने के बाद भी फेफना थाने से कोई नहीं पहुंचा। वहीं गांव के गुस्साए लोगों ने काशी क्षेत्र के भाजपा समर्थक मंच के क्षेत्रीय मंत्री अभिषेक गिरी से मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा, ये सुनते हैं। बलिया से संवाददाता कन्हैया वर्मा की रिपोर्ट। ये मामला जो की है परसों रात का है, समथिंग 1 बजे का। क्या है ये सांड जो की है? दो सांड थे, आपस में लड़ गए थे। अच्छा। और एक सांड जो की इसका इसको इतना जख्मी कर दिया और एक गाड़ी से इसका टक्कर हो गया सड़क बीच सड़क में। अच्छा। उसका पैर टूट गया था, ऐसा पैर टूट गया था कि बस हल्का सा चमड़े में झूला हुआ था बस। तो हम डॉक्टर नज़दीकी डॉक्टर को जो कि है सुबह में सूचना दे करके डॉक्टर को बुलाया और उसका जो कि है पैर जुड़ने लायक नहीं था, लेकिन उस डॉक्टर बोले कि इसको काटना पड़ेगा। इसका पैर कटवा दिया गया, कटवा करके इसको बैंडेज वगैरह करवाया गया था। तो फिर इसने थोड़ी देर बाद ये पट्टी वगैरह थोड़ा सा स्वस्थ हुआ तो ये पट्टी जो कि खोल दी है ये। अच्छा, सरकारी डॉक्टर आए थे कहाँ से डॉक्टर, मतलब कोई? हाँ, ये सरकारी जो कि एक जिला से डॉक्टर आए थे और हमारे नज़दीकी जो कि पशु चिकित्सालय है वैना में, वहाँ जो एक डॉक्टर बाहर बैठते हैं। अच्छा, वो आए थे और एक क्षेत्रीय डॉक्टर है यहाँ की। अच्छा, इसका अवगत कहीं से कराए थे? नहीं, ये कहीं से अवगत नहीं कराया गया था, ये हम खुद ही हम। अच्छा, अभी तक कहाँ कहाँ शिकायत किए हैं इसका, कि मतलब इसको हेल्प मिला? शिकायत जो कि है मैं पशु चिकित्सालय अधिकारियों को भी मैं कर चुका हूँ और वीडियो साहब को भी मैं कई बार सूचना दे चुका हूं और हमारे नज़दीकी और रक्षक जो कि हैं उन लोगों को भी मैं सूचना दिया था, उनके मदद से जो कि है पिकअप मंगवाया हूं और गौशाला में भी सूचना दे दिया हूं। और सूचना देने के बाद भी गौशाला से बात हो तो उन लोगों ने बोला कि गौशाला में पहुँचवा दीजिए इसको, तो इसकी व्यवस्था जो कि है नहीं हो पा रही है। कि मैं DM साहब को भी 2 घंटे पहले भी 2-3 बार कॉल कर चुका हूँ, उनसे बात भी हुआ है। बोले DM साहब कि हमको कि नज़दीकी थाने पर आपको सूचना दे दिया गया है, कुछ डॉक्टर भी जा रहे हैं, थाने से भी लोग जा रहे हैं, कोई अभी तक पहुंचा नहीं है। अच्छा, कौन सा थाने है ये? हमारा थाना फेफना पड़ता है। अच्छा, तो अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं? अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। लगभग कितने टाइम हो गया फोन किया? हम बोला रहे कि ये इसका जो कि 2 दिन हो गया। अच्छा, फोन किया हुआ थाने पर कितने देर? थाने पर हम फोन नहीं किए थे, जो कि DM साहब के डायरेक्ट फोन किए थे। अच्छा, DM साहब के कितने देर हुआ? हमको समथिंग लग रहा है कि 3:41 पे एक बार बात हुआ था और 2 बार बात हुआ है, 3:41 पे और 4:12। अभी क्या समय हो रहा है? ये समय हो रहा है आपका 5:17। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है कि सेवा उपलब्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, टाइम देखते हुए हमको तो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा आज। अच्छा, तो वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि DM साहब से ये आग्रह करना चाह रहा हूँ कि इसकी जल्द से जल्द व्यवस्था कराया जाए, क्योंकि वो जो कि जितना ब्लीडिंग हो रहा है इसका, इस हिसाब से ब्लीडिंग होता रहा तो ये सुबह तक मर जाएगा। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।